केजरीवाल को क्या लगता है केजरीवाल पर क्या प्रधानमंत्री बन पाएंगे जो सपना देख रहे हैं? सुनिए सुनिए, मैं अभी जब विधानसभा का दिल्ली विधानसभा का चुनाव आया था तो मैंने नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को और नड्डा को, तीनों को मैंने कहा कि जिस तरह से 2014 के इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में मैंने नरेंद्र मोदी के बड़े भाई सोम भाई को अपने साथ लेकर के, नरेंद्र मोदी से मैंने संकल्प लिया था और उनके बिहार पर सोम भाई को मैं लेकर के दतिया पीताम्बरा पीठ में मैं गया था और वहाँ पर हमने अनुष्ठान किया था, बगलामुखी का यज्ञ किया था। मैंने कहा इस बार भी आप कर लीजिए वरना आप विधानसभा चुनाव हार जाएंगे। तो मुझे इन तीनों नेताओं ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और नड्डा ने ये कहा कि गुरुजी 2014 और 2019 के बाद दूसरी थी, उस वक्त हम उतने पॉपुलर नहीं थे, अब हम इतने पॉपुलर हैं कि हमको किसी परमात्मा की भी मदद की ज़रूरत नहीं, किसी देवी देवता की मदद की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ये अहंकार है आपका, और अहंकार न तो मुझे पसंद है, न परमात्मा को पसंद है, न खुदा को पसंद है, अब आप हारेंगे। लेकिन ये बात गुप्तचर विभाग के जरिए अरविंद केजरीवाल को पता लगा। अरविंद केजरीवाल को मैं इससे पहले दो बार पीट चुका हूँ, एक तो जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त मैंने इनको पीटते हुए ये कहा था कि तुमने झूठे वादे किए हैं, मतलब थप्पड़ मारा था, पिटाई सीट के घर के, उनका जो यूपी में जो वो वैशाली से पहले जो उन्होंने जिस मकान में रहते थे और वहीं पर उसके सामने उनका हेडक्वार्टर था, पहले हेडक्वार्टर में तोड़फोड़ किया था। मेरी ओम जी हिंदू आर्मी है, मेरे पास में लाखों लड़के रिवॉल्वरधारी हैं जो देश के लिए मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो उस वक्त हमने केजरीवाल को पीटा था, वो तो लाइव टेलीकास्ट चला था। उसके बाद 6 फरवरी 2015 को जिस दिन विधानसभा चुनाव का वो प्रचार ख़त्म होने वाला था, उस दिन कनॉट प्लेस के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का जो गेट नंबर 6 है वहाँ से उनका काफिला जा रहा था, तो कार से खींच करके अरविंद केजरीवाल को, काफिले से अरविंद केजरीवाल काफिले से आपने खींचा? काफिले में जिस गाड़ी में वो बैठे हुए थे वो दरवाज़ा खोल करके मैंने उनको बाहर खींचा, लाइव चला था वो, और उसमें मैंने उनको ये कहा। उन्होंने कुछ बोला नहीं केजरीवाल ने आपसे कि आपको खींचा मुझे? उनको पता था, मैं पहले उसके बारे में मैं बयान ऑलरेडी दे चुका था कि जहाँ कहीं मुझे केजरीवाल नजर आएंगे मैं उनको मारूंगा, उनको मालूम था ये बात। और उनके जो लोग थे वो अलर्ट थे, लेकिन मेरे आर्मी के लोग उनसे ज़्यादा अलर्ट थे, उनके लोग निहत्ते थे, मेरे आर्मी के लोग हथियारों के साथ थे। खैर, तो उस वक्त मैंने उनको ये कहा था कि तुमने जो 70 झूठे वादे किए हैं, अभी तो मैं तुम्हें जान से नहीं मार रहा हूँ, लेकिन यदि तुमने जो झूठे वादे किए हैं वो तुम पूरा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो बहुत वायरल चला था पूरे वर्ल्ड। आपने ऐसा ही कहा था गोली मार? ऐसे ही कहा था, धमकाने के लिए नहीं कहा था मैं, रियल में देखिए, मैं धमकाने के लिए या ब्लैकमेल करने के लिए कोई लफ्ज नहीं बोलता हूँ। गोली मारना अपराध हो जाएगा, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने देश के लिए, देखिए मैं आतंकवादियों का मर्डर करता हूँ, मेरे लिए कोई नई बात है नहीं। अच्छा, आपने आतंकवादी मारे हैं? खूब मारे हैं मैंने, मुझे गिनती याद नहीं लेकिन सरकार को मालूम है। मैं मारने के बाद भी छिपाता नहीं हूँ, मैं वहाँ के कंसर्न जो हायर मिलिट्री ऑफिसर होते हैं, हायर पुलिस ऑफिसर होते हैं, उनको मैं फ़ोन करके बता देता हूँ इतना डेड बॉडी फलाने जगह में पड़ा हुआ है, मैं मार करके आया हूँ। तो नरेंद्र मोदी ने और राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि टेलीविज़न चैनलों में मैंने स्वामी जी का बयान देख लिया है, आपको पीटते हुए भी मैंने देख लिया है, वो सिर्फ उन्होंने अभी सिर्फ बयान दिया है और इस शर्त के साथ दिया है कि जो 70 झूठे वादे आपने किए हैं वो पूरा नहीं करेंगे तो स्वामी जी गोली मारेंगे आपको। अभी मारा नहीं है, जिस दिन वो गोली मार देंगे आपको उस दिन हम गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन इस दौरान एक अच्छी घटना ये घटी जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल बच गए हैं, वो ये घटी जो मैं आपको बता रहा था कि गुप्तचर विभाग से उनको पता लगा कि मैं नरेंद्र मोदी से, नड्डा से, अमित शाह से मैं लड़कर के आया हूँ कि तुमको अहंकार हो गया, मैं तुम्हारी पार्टी को विधानसभा में जीतने नहीं दूंगा, मैं किसी और को जिताऊंगा। तो ये बात लेकर के ये अरविंद केजरीवाल मेरे से मिले, उनकी पत्नी सुनीता, उनके पिता गोविंद राम, उनके दोनों बच्चे लड़का लड़की सब मिले, मेरे पैर छुए, मेरे से माफ़ी मांगा और साथ में ये कहा कि आपने कहा है कि आप बीजेपी को विधानसभा में सत्तासीन नहीं होने देंगे तो उसके बाद तो हम ही आते हैं। तो मैंने कहा तुम तो हिंदू विरोधी, तुम तो ईसाई हो, क्योंकि 11 साल जब ये रहे डाइन मदर टेरेसा के साथ तो इन्होंने केजरीवाल और उसका गुलाम बन करके रहे, उसके तलवे चाटते रहे। तो केजरीवाल ने 6 लाख मुसलमानों को ईसाई बना दिया और 5 लाख हिंदुओं को ईसाई बना दिया नॉर्थ ईस्ट में, जिसके वजह से वहाँ पर आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में ईसाई फैल चुका है,
इस्लाम भी ख़त्म हो गया और हिंदू सनातन धर्म हिंदुत्व भी ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा तुम तो ईसाई हो, नाम से सिर्फ तुम हिंदू हो, गौवंश खाते हो, तो मंदिरों में तुम जाते नहीं, तुम तो सिर्फ 25 दिसंबर को सिर्फ गिरजाघर में जाते हो। तो केजरीवाल ने मुझे ये कहा कि गुरुजी मैं अब हिंदूवादी बन जाऊंगा, आप मुझे मेरे लिए आप अनुष्ठान करो बगलामुखी का, जो आपने मोदी के लिए किया था। तो फिर मैंने कहा कि तुम बताओ कि तुमको कुछ आता है हिंदू धर्म का। मैंने कहा उस दिन मंगलवार था, तो मैंने कहा आज मंगलवार है तो हनुमान चालीसा सुनाओ मुझे। तो कहने लगा स्वामी जी मुझे तो आता नहीं। तो मैंने कहा एक काम करो, पहले इसके दो चार चौपाइयाँ याद करके किसी नेशनल टेलीविज़न पे तुम बोल करके मुझे दिखाओ, तो मुझे यकीन होगा कि तुम हिंदूवादी बन गए हो, तो उसके बाद फिर मैं तुमको साथ दूंगा। उसने सुनाया किसी टेलीविज़न चैनल पे, उसके बाद फिर वो मेरे से मिला, तो फिर मैंने उसके लिए अनुष्ठान किया, उसे संकल्प लेकर के मैंने बगलामुखी का अनुष्ठान के यज्ञ किया, जिससे वो सत्तासीन हुए हैं और केजरीवाल। और आप ये देखिए, इससे पहले दो बार जो उन्होंने शपथ ग्रहण किया था रामलीला मैदान में, उस वक्त वो मुस्लिम टोपी पहन करके आते थे। मैंने इस बार उसको ये कहा, जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ है 16 तारीख को, उस दिन भी मैंने उनको ये कहा कि भाई तुम, उसके घर में मैंने यज्ञ किया, हवन किया सुबह सुबह, और मैंने उसको तिलक लगाया अपने हाथ से। मैंने कहा ये तिलक मिटाओगे नहीं तुम, इस तिलक के साथ ही तुम शपथ ग्रहण समारोह में जाओगे। तो पहली बार केजरीवाल के सिर में तिलक लगा हुआ आपने देखा होगा शपथ ग्रहण के दौरान। तो और उसके साथ साथ उससे पहले मैंने उसको कहा कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, तुम हनुमान जी का दर्शन करने के लिए जाओ कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर। कनॉट प्लेस का जो हनुमान मंदिर है उसमें हर साल मैं हनुमान जयंती के दिन अपने हजारों भक्तों को लेकर के मैं पूरे इंडिया में, पूरे दिल्ली में मैं शोभा यात्रा निकालता हूँ। तो मैं भक्त हूँ उनका, वहाँ पर मैं इंदिरा गांधी को, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बहुत नेताओं को मैं लेकर गया हूँ पहले हनुमान मंदिर में। तो ये गए वहाँ पर पूजा करके आए, उसके बाद जब जीत करके आए तो मैंने तिलक लगाते वक्त मैंने कहा अभी तुम शपथ ग्रहण समारोह के लिए जा रहे हो, वहाँ पर बजरंगबली का हनुमान जी का जयकारा अपने फॉलोवर से ज़रूर तुम लगवाना, वही तुम उन्हीं की कृपा से तुम चीफ मिनिस्टर बने हो। तो वो उन्होंने किया। उसके बाद भी मुझे पूरा यकीन नहीं था, तो मैंने कहा कि अब तुम ग्रेटिट्यूड के लिए, थैंक्स करने के लिए तुम हनुमान जी के मंदिर में जाओ कनॉट प्लेस में, और वहाँ पर तुम उनको धन्यवाद देकर, वो भी करके आए। इनके खिलाफ मैंने किताब लिखा हुआ है देशद्रोही अरविंद केजरीवाल, जिसमें मैंने सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं कि ये किस तरह से फोर्ड फाउंडेशन से CIA से कैसे इनको पैसा दिया, CIA फंडिंग की बात कर रहे हैं, फंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो सारा सबूत मैंने दिया हुआ है, और जो पहली बार जो मैंने अरविंद केजरीवाल को पीटा था उसकी पहली कॉपी मैंने अरविंद केजरीवाल को दी थी, और हमने कहा था यदि इसमें कुछ भी झूठ हो तो मेरे खिलाफ केस करना इस किताब को लेकर के, लेकिन आज तक उन्होंने केस किया। अच्छा, इसका मतलब लगता है कि आपके कहने पे सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ इनको जो झुका हुआ है, हाँ, केजरीवाल का, वो आपके दिशा निर्देश पे, बिल्कुल मेरे दिशा निर्देश के, क्योंकि वो सत्ता के लालची हैं। आप ये देखिए कि अभी जो ये दंगा हुआ था उसमें पहले तो हमेशा ही कूद पड़ते थे मुसलमानों के पक्ष में, ये नहीं कूदे मुसलमानों के पक्ष में, बल्कि उल्टा दंगा शुरू होने से पहले और दंगा होने के बाद भी ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले, गले लगे, पूरा स्ट्रेटजी तैयार किया किस तरह से इस दंगा को हमको भड़काना है और फिर किस तरह से इसको हम कंट्रोल करना, पूरा स्ट्रेटजी पहले तैयार हो गया था, और वो स्ट्रेटजी अरविंद केजरीवाल का एग्जीक्यूट हुआ। तो अब इससे मुसलमानों का जो भ्रम था वो ख़त्म होना चाहिए कि ये न तो मुसलमानों का है न हिंदुओं के हैं, ये सिर्फ अपने सत्ता की लालच में कुर्सी के लिए है। ये आपने उन्हें डांट समझाया नहीं? मैंने समझाया, लेकिन अभी तो सबसे पहले दंगे के बाद आपने बाकी फ़ोन पे नहीं बात हुई है, मैं मिला हूँ उनसे, उनको मैंने कहा भी, और ये जो अभी आप देख रहे हैं मुआवजा जो मिल रहा नहीं, है, आपने कहा नहीं कि तुम उतर के क्यों नहीं गए दंगे जहाँ पे दंगा हो रखा उस इलाके में ताकि दंगा रोका जा सके? देखिए उसके बारे में तो मैंने बात नहीं की, लेकिन दंगाग्रस्त एरिया में विक्टिम्स को मुआवजा देने के लिए मैंने ज़रूर बात की। मैंने कहा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो तुम मुआवजा दो, तुम सरकार हो, तो वो उन्होंने दिया है और उससे लोगों को बहुत राहत मिली है, तो उसके लिए मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी बात को मानी है। आपने कहा कि केजरीवाल मदर टेरेसा के साथ रहते थे, गुलामी करते थे, तो आपकी कभी मुलाकात हुई मदर टेरेसा से, आपने कुछ बात हुई? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं मदर टेरेसा से मैं मिला हूँ, और आपको एक घटना याद होगी, लेडी डायना के शादी में यहाँ से मैं और राजीव गांधी गए थे, और शादी में वो मेरी लेडी डायना मेरी बड़ी अच्छी भक्त थी, प्रिंस चार्ल्स भी मेरे अच्छे भक्त हैं, क्वीन एलिजाबेथ भी मेरी बड़ी अच्छी भक्त हैं, डायना, तो डायना यहाँ पर इंडिया आई थी और मदर टेरेसा से मिलने गई थी।
तो राजीव गांधी ने मुझे कहा कि गुरुजी आप लेडी डायना के साथ में आप जाइए, क्योंकि राजीव गांधी की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी लेडी डायना के साथ में, और चूंकि इसीलिए हम दोनों शादी में गए थे, हिंदुओं में से तो अकेले में ही गया था, तो मैं लेडी डायना के साथ में मदर टेरेसा से मिलने के लिए मैं कलकत्ता गया था, मैं एक साजिश के तहत, मेरे दिमाग में नफ़रत था उस औरत के लिए जिसने हमारे देश में इतने लेडी उसके मदर टेरेसा के प्रति मेरे, क्योंकि वो रोगियों की सेवा के नाम पे सिर्फ ईसाई बनाती थी, और वो जब वो ईसाई बन जाता था तो उसके लिए वो कुछ नहीं करती थी, उसके लिए उसको तो शांति का पुरस्कार भी मिला हुआ है पूरी दुनिया में, वो मिलेगा ना, वो मिलेगा, वो तो अरविंद केजरीवाल को भी मिला क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईसाईवादी था, वो सत्यार्थी को भी मिला क्योंकि वो ईसाईवादी है, तो जो ईसाईवादी होगा उसको पुरस्कार मिलेगा, आपको नहीं मिला ना, जबकि आप राष्ट्रवादी हैं तो आपको नहीं मिला, राष्ट्रवादियों को नहीं मिलता वो, जब आपने नोबेल प्राइज पे मैग्सेसे प्राइज पे ही आप सवाल उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं सवाल उठा रहा हूँ, मैग्सेसे प्राइज नोबेल प्राइज जो है वो सिर्फ ईसाइयों को दी जाती है, आप ये देखिए मलाला जो अफगानिस्तान की है उसको इसीलिए पाकिस्तान की जो है उसको इसीलिए दिया गया क्योंकि वो लंदन में पढ़ रही है, अब वो मुसलमान नहीं है, अंदर से वो ईसाई बन चुकी है, जब तक वो मुसलमान थी ना तो उनको उसको अफगानिस्तान में बचाया ना यूरोप में बचाया, इन लोगों ने ईसाई बना करके तब उसकी पढ़ाई करवा रहे हैं, तो ये ईसाईवादी मानते हैं कि नोबेल प्राइज और ये जितने सब बिकाऊ है और धर्म सापेक्ष है, सिर्फ ईसाइयों को आप लिस्ट उठा करके देख लीजिए, नाम हिंदुओं वाला होता है, जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं चाहे अमर्त्य सेन हो, चाहे ये आपका सत्यार्थी हो, चाहे ये मदर टेरेसा हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये सब वही लोग हैं जो अंदर से ईसाई हैं, ऊपर से नाम से ये हिंदू हैं, नॉन ईसाई को कभी वो लोग देते। किरण बेदी को भी तो मैक्सेस से अवार्ड। हाँ जी, किरण बेदी को भी शायद सुना मिला है। हाँ तो किरण बेदी भी यही काम करती है ना, किरण बेदी को मैंने मुझे पहले पता नहीं था, तो किरण बेदी को मैंने सरकार को रिकमेंड करके यहाँ पे तिहाड़ जेल का मैंने DGP बनवाया, वो वहाँ पर बाद में मुझे पता लगा कि वो क्या करती थी, जो तिहाड़ जेल में जो महिला जेल है, जेल नंबर 5 था उस वक्त, उसमें जितने कैदी महिला कैदियों के जो बच्चे होते थे उसको माँ से वो छीन लेती थी और ईसाई अनाथालय में ले जाती थी और वहाँ से बच्चे को गायब कर देती थी, जो बाद में नक्सली के रूप में गिरफ्तार होते थे। आप ये देखिए जितने भी नक्सली हैं, किरण बेदी, हाँ किरण बेदी, बिल्कुल बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ आपको, किरण बेदी, हालांकि किरण बेदी मेरी शिष्या है, उनकी माँ मेरी शिष्या थी, उनकी बेटी आज है वो मेरी शिष्या है, उनके पति अमृतसर में मेरे शिष्य रहे हैं, लेकिन ये सब मैं सीधा साधा संत हूँ, ये सब चीज़ें मुझे पता नहीं था, लेकिन जब प्रैक्टिकली मैग्सेसे अवार्ड उनको जब मिला, उसके बाद मुझे जब डाउट हुआ तो उसके बाद मैंने कुछ एजेंसीज को लगाया और फिर मैंने ये सारा डिटेल पता किया, और उसी के वजह से किरण बेदी को जब इन लोगों ने यहाँ पर चीफ मिनिस्टरशिप का ऑफर किया था BJP ने अरविंद केजरीवाल के टक्कर में, तो उस वक्त भी मैंने राजनाथ सिंह जी थे उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैंने कहा बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं, ये औरत राष्ट्र विरोधी है, ये CIA एजेंट है, ये आपको बहुत नुकसान पहुँचाएगा, अंततोगत तो इनको समझ में नहीं आया, तो किरण बेदी के खिलाफ मैंने खुद कैंपेन किया, मैं खुद बका के पक्ष में मैंने वहाँ पर भाषण दिए, जबकि मैं आम आदमी पार्टी के का समर्थक नहीं था, मैं विरोधी था उस वक्त भी, लेकिन हमको देश के लिए पहले करना था, बाकी हमारे विचार बाद मिले ना मिले वो अलग बात थी, तो अभी जैसे मैं अरविंद केजरीवाल का मैं समर्थक तो नहीं था, मैं अभी भी नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने अहंकार दिखाया था, मैंने अरविंद केजरीवाल को समर्थन देकर के मैंने उसको सत्तासीन किया, तो ये और उसी के वजह से ये जो इतने जो नक्सली तैयार किए इसने किरण बेदी ने, पुलिस IPS ऑफिसर होने के बावजूद भी फर्स्ट लेडी ऑफ, ये मानते हैं कि किरण बेदी ने नक्सली तैयार किए? हाँ मैं बिल्कुल मानता हूँ, मेरे पास सबूत हैं उसके, और आप ये देखिए ना, इसीलिए नक्सलियों को जब गिरफ्तार किया जाता है या जब उनको गोली मारी जाती है तो नक्सलियों का कोई माँ बाप रिश्तेदार नहीं आता उनके डेड बॉडी को लेने के लिए, उसके पीछे कारण यही है कि वो अनाथ बच्चों को नक्सली बनाते हैं, तो उनके माँ बाप को पता ही नहीं कि ये मेरा बच्चा है, तो ये इस देश में एक, और ये जो नक्सली होते हैं वो हमारे आर्मी मैन को मारते हैं, हमारे पुलिस के लोगों को मारते हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो ये तो राक्षस हैं, तो इसीलिए मैं किरण बेदी अभी मेरे से दिल्ली में मिलने के लिए कई बार आई, मैंने मिलने से मना करे, मैं मिलूँगा भी नहीं जब तक कि वो राष्ट्रवादी नहीं बनेगी,
अब वो भाजपा की अपनी मजबूरी है कि उसको गवर्नर का गवर्नर बना रखा है, वो उनकी मजबूरी है, उस पर मैं नहीं पढ़ना चाहता, उनका इंटरनल मैटर है ये। लेकिन ये बात जरूर है कि अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, और आप ये देखिए मदर टेरेसा की आप बात कर रहे थे, मैं पहला आदमी हूँ पूरे वर्ल्ड में जिसने लेडी डायना के साथ में जाने के बावजूद भी मदर टेरेसा को मैंने थप्पड़ मारा था कलकत्ता में। थप्पड़ मारा था आपने कलकत्ता में? मिशनरी चैरिटेबल का जो उनका हेड ऑफिस था उसमें मैंने मारा था। मेरे साथ में एक जाजू नाम के व्यापारी थे जो उनको डोनेशन दिया करते थे, उसको भी मैंने कहा था, बहुत बड़े उद्योगपति थे, अब तो उनका डेथ हो गया, उनको भी मैंने कहा तुम लोग सब देशद्रोही हो, तुम लोग सब राष्ट्रद्रोही हो जो ऐसी औरत को, ऐसी डैन को, ऐसी देशद्रोहिणी को तुम लोग डोनेशन देते हो। उसके बाद बहुत सारे डोनेशन उसके बंद भी हो गए थे। तो इतिहास में मैं पहला आदमी हूँ जिसने मदर, पहला और आखिरी मेरे ख्याल से, आखिरी ही, अब तो मर गई, अब तो आखिरी ही होगा, और इतिहास में मैं पहला आदमी हूँ जिसने देशद्रोही अरविंद केजरीवाल को दो बार पीटा, तो ये भी एक इतिहास है।